आज होने वाला है आपका मुंह चटपटा जब ऐसी चाट आप घर पर बनाने वाले हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन शो में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रेसिपी बढ़िया सी चटपटी सी। आज बनाएंगे हम सेव पूरी। सेव पूरी कैसे बनाते हो आपको हम दिखाते हैं। तो एक बाउल मैदा ले रखा है हमने, इसको छान रखा है। अब एक थाली में इसको लौट लेंगे छोटे से बर्तन में। अब लेंगे हम थोड़ा सा इसमें अजवाइन, तो आधा चम्मच हमने अजवाइन ले रखा है छोटे चम्मच से। इसको मसल के इसमें मिला देंगे, साथ में ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मोयन के लिए थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें घी। तो एक धूप में पिघल गया है, इसमें मिला लेते हैं। अच्छी तरह से करते हैं इसको मिक्स, और पानी से गूंद लेंगे बढ़िया से एक नॉर्मल आटा। तो इधर हमारी पोती को देखो, ये खा रही है चटपटा है चाट मसाला। क्या खा रहे हो? बाप रे, पूरा ढक्कन चाट गई है ये तो। उधर नजर मार लो थोड़ी सी, कैमरामैन के पास देख लो। क्यों देखना पसंद नहीं है? अरे आजकल बहुत नखरे दिखा रही है ये, पता नहीं क्या हो रहा है इसको भी। तो घी को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो खसकते खसकते लगता है अंदर भाग जाएगी। भाग रही क्या? जाने का इरादा हो रहा? अब गूंद लेंगे पानी से। झटपट बनने वाली रेसिपी है, अगर चटपटा खाने का मन हो ना कुछ उटपटांग चीज जरूर बनानी चाहिए बच्चों के लिए। तो बच्चों को भी ऐसी चीजें पसंद होती है ना। अगर खाना बनाने का कभी मन नहीं करता तो ऐसी चीजें बनाओ और बच्चों को भी खिलाओ, फैमिली को अच्छा लगता है ऐसी चीजें। थोड़ा सा ही मैदे से बहुत सारी पूरी बन जाती है। मैदे को गूंद लेते हैं, और बहुत सारी तैयारी करके मैंने पहले से ही रख ली है, तो दिखाएंगे हमने तैयारी क्या कर रखी है। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी पोती के लिए भी एक लाइक जरूर कर देना, बहुत साथ देती है मेरा ये। देख लो ना, मुंह मत छुपाओ त्रिशा। तो मैदे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। अगर आप मैदे को गूंदते हो क्या? बाबा कद्दू का पत्ता डाल गई आंख में, निकल यहां से, अंदर जा, शैतानी कर रही है। क्या चुबा क्या था? रुक जा, अभी मम्मी से शिकायत करती हूँ, रुक जा। दादी को इसने मारा करके, बहुत शैतान हो गई है आजकल, आंख में मेरे कद्दू का जूस डाल गई, संतरे का भी डाल देती है कभी कभी। हट यहाँ से। सबसे पहले हम तेल को गरम कर लेते हैं। तेल को गरम करने के बाद करेंगे ठंडा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, तो जितनी बड़ी हम रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उतनी बड़ी हम ले लेंगे और करेंगे इसको गोल, रोटी के बराबर हम इसको बेल लेंगे। तो लोई में लगाएंगे मैदा, अच्छी तरह से बेल लेंगे रोटी के बराबर, ज्यादा पतली भी नहीं और ज्यादा मोटी भी नहीं। तो मैं चकले पे बेल रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा सा पतला होगा ना तो उसमें और बड़ी बनती है। और यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है रोटी की तरह। तो तेल गरम हो गया है, थोड़ी देर हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कर रही हूँ कटिंग। ये ले रखा है मैंने एक छोटा सा नॉर्मल ढक्कन, चाट मसाले का था इसलिए, अब करेंगे इससे कटिंग। तो ये देखिए गोल गोल करके हम निकाल देंगे, छोटी छोटी पूरियां बनाएंगे इससे। एक रोटी से कम 6-7-8 पूरियां निकल जाती हैं। जी अब करेंगे इसको अलग, आसान तरीके से निकल जाते हैं ये। अब ले रखा है मैंने कांटे वाला चम्मच, बीच में से इसमें छेद करेंगे खूब सारे। अगर हम इनको तलेंगे ना तो पूरी की तरह नहीं बने, ये पापड़ी की तरह बने। तो मैंने इसमें छोटे छोटे सुराख कर दिए हैं कांटे से,
तो हम जब ये तलेंगे तो ना ये फूलेंगे नहीं, इसलिए हमने इसमें छोटे छोटे सुराख कर रखे खूब सारे। तो और बना लेते हैं ऐसी। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, हमारी पापड़ी बनके तैयार है। अब इनको हम तल लेते हैं एक एक करके, हल्की आंच में तलेंगे, ज्यादा तेज आंच में नहीं तलने हैं। तो जितने आते हैं हम उतने डाल देंगे इसमें, कुछ ज्यादा भी डाल सकते हो। ये देखिए हल्की आंच में तलेंगे, अगर हल्की आंच में तलेंगे ना तभी ये करारे बनेंगे। अलट पलट के इनको हम तल लेते हैं। तो इससे पहले भी मैंने पापड़ी की वीडियो डाल रखी थी मेरे YouTube चैनल में, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी डाल रखी है YouTube चैनल में। तो इधर देखिए हमने इनको सब तल लिया है, अब एक एक करके इनको हम निकाल देते हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से तेल निखार के निकाल लेंगे एक बर्तन में। सेव पापड़ी की तैयारी हो चुकी है, अब बनाते हैं। तो इधर हमने एक आलू भी ले रखा है, दो तीन आलू ले रखे हैं, सेव ले रखी है, और यहाँ सारी पापड़ी, प्याज, चटनियाँ, चटपटी सी खट्टी मीठी धनिया। तो बनाते हैं अब सेव पापड़ी, कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। तो इधर हम टमाटर को भी काट लेंगे, टमाटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो बाहर का बक्कल काटेंगे हम, टमाटर का भी स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो कैमरामैन से तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से बनाओ कह रहा है, तो फटाफट बनाते हैं, अब देर नहीं करते हैं। इधर ले रखे मैंने उबले हुए आलू, अब इनका बना देंगे हम भरता। जैसे भरता बनाते ना ऐसे इसको मसल लेंगे। आलू जब आलू पड़ेगा ना चाट में तो बहुत टेस्टी लगती है चाट। नींबू को भी काट लेंगे, नींबू की भी जरूरत पड़ेगी। तो इधर ले रखी है मैंने खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी, यहाँ ले रखा है हरा धनिया, टमाटर, प्याज, सेम और सेव पूरी। अब रखेंगे एक बर्तन में, ये ले रखी है मैंने प्लेट। तो इसमें आप सजाते हैं अपनी चाट को, तो एक एक करके ऐसे रखेंगे इनको। तो इधर रख दिया प्लेट में हमने पापड़ी, अब करेंगे इसकी तैयारी। यहाँ ले रखा है हमने भरता आलू का, सबसे पहले हम आलू रखेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं रखना है, इस तरीके से उठाएंगे और इतना रखेंगे। अब रखेंगे थोड़ा सा प्याज और टमाटर, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट। अब थोड़ा थोड़ा रखेंगे इसके ऊपर से धनिया, अब हल्का हल्का डालेंगे इसमें नमक और मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च। अब डालेंगे हम खट्टी मीठी चटनी इमली की इनके ऊपर से। थोड़ा थोड़ा करके जितना खाना होगा ना उतना अपने हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हो, अच्छा लगता है खट्टी मीठी चटनी। अब लेंगे हरी मिर्ची पुदीने की चटनी चटपटी सी, इसको भी हम चाट में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब निचोड़ेंगे इसमें नींबू खूब सारा। तो अब इसमें भर देंगे सेब वाली नमकीन। तो इसी से ही चाट हमारी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये बन चुकी है हमारी चटपटी सी चाट, थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डाल देंगे।
तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी दोस्तों? रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो और ये लीजिए आपके लिए चटपटी सी चाट। तो इसी तरीके से आप लोग भी घर पर बनाना। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इंस्टाग्राम में भी मेरा अकाउंट है, उसमें जाके आप देख सकते हो, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो लीजिए आपके लिए चाट। तो हमें तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को भी पसंद आने वाली है। जल्दी से आप लोग भी इसको बनाओ और इंजॉय करो, अपने फैमिली को भी खिलाओ। अगर मेहमान आ गए तो इस तरीके से आप लोग बनाना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो अपना चाट बनके हो गई है तैयार, गजब करारी सी, बिल्कुल बाजार में जाके चाट नहीं खाते, बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहा है इसमें। तो कैमरामैन को भी देती हूँ टेस्ट करने के लिए, थाली नहीं मिलेगी।